भी चैनल में आपका स्वागत है। चुनती तक को न मानने वाले बुद्धिस्ट आज लाखों रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल कर चुके हैं और इसी कत्लेआम में वहां की गवर्नमेंट और मिलिट्री भी शामिल है। अमन का नोबेल प्राइज पाने वाली ओंग सैन सुकी की खामोशी बहुत ही शर्मनाक है। किस से पूछा जाए कि दर्द क्या है और किस किस से पूछा जाए कि किस खूंखार भेड़िए ने तुझे लहूलुहान कर रखा है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान में पनाह पाए हुए कुछ रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द आपके सामने पेश करने की हमने एक छोटी सी कोशिश की है। मैं मौलाना अबुल आलम रोहिंग्या मुसलमान बर्मा वाला। हमारा मुल्क बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म असतम ऐसा जुल्म हुआ है पूरे दुनिया में ऐसा जुल्म कहीं जगह में नहीं हुआ है। मुसलमानों को ऐसा जुल्म सतम किया तकरीबन 10 लाख तक मुसलमानों को शहीद किया गया है। ऐसा कतला में ऐसा जुल्म ऐसा सतम दूध पीने वाला बादशाह भी बच नहीं सकते हैं। मसलन ये है कि अगर खूबसूरत वाला लड़की हो उसको जुल्म करते करते अगर जिंदा पेट्रोल डालकर आँख से जला कर मारे। मैं एक रोहिंग्या मजलूम, मैं एक हाफिज कुरान, मैं पहला अच्छा था। 2016 में जो लड़ाई हुआ है बर्मा में, वहाँ की फौजी ने मिलिट्री ने मेरा एक पाँव बम ब्लास्ट करके यानी बमबारी करके शहीद कर दिया। इसके बाद मैं बांग्लादेश में लाया, कुछ लोगों ने लाकर मेरे को थोड़ा इलाज किया, दवाई किया। इसके बाद मैं इंडिया में आ गया। हिंदुस्तान का सरकार की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं हैं। हम आकर यहाँ हिंदुस्तान में जगह मिला है, सहूलत मिला है, आराम मिला है। हुकूमत है उस पर शुक्रिया है, जो मीडिया है उस पर भी शुक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी शुक्रिया है।